महानगर मुरादाबाद के थाना मंझौला के अंतर्गत मियां कॉलोनी निवासी जमीला पत्नी स्वर्गीय मेराजुद्दीन ने अपनी बहू पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से इंसाफ की गुहार लगाई। जमीला द्वारा एसएसपी को पेश किए गए प्रार्थना पत्र में कहा गया कि वो उसके बेटे फरदीन की शादी 3 वर्ष पूर्व कशिश उर्फ अर्शी निवासी फतेहगंज थाना पश्चिमी बरेली के संग की गई थी। शादी के बाद से ही बहू ने रंग दिखाने शुरू कर दिए। आए दिन उसके बेटे और परिवार के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। आदत में शुमार हो गया और कई बार आत्महत्या कर लिए जाने की भी धमकी दी। बहू द्वारा दी गई झूठी रिपोर्ट पुलिस को दी गई है, जिसका फैसला संभ्रांत नागरिकों के द्वारा करा दिया गया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि 17 जुलाई को बहू कशिश अपने मायके वालों माता महनाज भाई शहजाद आदि उसके घर में जबरदस्ती घुस आए और घर का दरवाजा तोड़ दिया। सभी लोगों को सबक सिखाने की बात कही। ये कहते हुए बुरी तरह मारा पीटा और घर में रखा कीमती जेवर कपड़ा और 1,00,000 रुपए नकदी भी ले गए। बहू अर्शी उर्फ कशिश को लेकर फरार हो गए। प्रार्थना पत्र में बहू और उसके घर वालों ने अपने बेटे और परिवार की जान का खतरा बताते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई है। पीड़िता जमीला ने बताया। क्या नाम है आपका? जमीला। जमीला जी, आप कहाँ से आई हैं? क्या शिकायत है आपकी? कौन लोग ले गए? कहाँ की थी आपने बेटे की शादी? बरेली में। कब हुई थी शादी? 3 साल। तब क्या परेशानी है? इसके गलत चाल चलन की वजह से परेशानी की। फोन करा वो लोग मारपीट करके और लूट लाट करके चले गए। मारपीट करके चाकू रख दिया मेरे बेटे को। तो वो आपके साथ नहीं रहना चाहती? क्या है मामला? आप क्या चाहते हैं? रहना चाहती हूं, रहना चाहती हूं। मेरे बेटे को, मेरी जान, मेरे बेटे की जान को खतरा है उससे। इसके कई सारे हैं। आज आप एसएसपी से मिली हैं, क्या मांग करी आपने? मैंने यही मांग करी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे बेटे से छुटकारा चाहिए। मेरे बेटे की कभी भी जान की जिसमें मर सकती है। थाना पश्चिम में बुला के मेरे बेटे को पुलिस से उठवा दिया तो मुझे बुलाने के लिए आ गए। वहाँ से बेटे को पुलिस से उठवाया, मेरे बेटे को वहाँ ही पिटवाया।